बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अरुषा टीवी न्यूज अपडेट के साथ आज की ताज़ा खबर शामिल करते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं तहसील खानपुर में, जहां पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम साबिक उम्मीदवार बराए मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PK-47 जनाब जफर इकबाल अवान की ज़ेर सरपरस्ती आगही प्रोग्राम अवाम के साथ वीज़ा के नाम पर फ्रॉड और इससे बचाव का इनेकाद किया गया, जिसमें इस्लामाबाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से MRC कौंसलर जनाब तहसीनुल्लाह साहब ने अवाम को भरपूर अंदाज में आगही दी और वीज़ा के नाम पर गैर कानूनी एजेंट माफिया को बेनकाब करते हुए इनसे बचने के तरीके बताए। उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि अगर कोई शख्स बैरून मुल्क जाना चाहे और किसी रिक्रूटिंग एजेंसी या एजेंट से मुआहदा करने से पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से इसकी कानूनी हैसियत पता कर ले, ताकि आप किसी फ्रॉड या धोखाबाजी का शिकार ना हो। अगर एजेंट या एजेंसी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड या लाइसेंस याफ्ता नहीं है तो इनके बहकावे में मत आए, आपकी थोड़ी सी लालच आपको बड़ी रकम से महरूम कर सकती है। इसलिए किसी भी गैर कानूनी एजेंट को अपनी रकम मत दें। इस मौके पर उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मालूमाती ब्रोशर भी तकसीम किए, अवाम की तरफ से किए गए सवालात के तसली बख्श जवाब दिए। इस मौके पर अवाम ने साबिक उम्मीदवार बराए मेंबर सूबाई असम्बली जनाब जफर इकबाल अवान का शुक्रिया अदा किया और इलाके के लिए इनकी खिदमात को सराहा। तकरीब के अख्तिताम पर अवाम के लिए रिफ्रेशमेंट का एहतमाम भी किया गया।